हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग फन आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टू इंग्लिश वर्कशीट क्लास टू में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये इंग्लिश की वर्कशीट काफी हेल्पफुल होने वाली है सो so प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा इस वीडियो की हेल्प से आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से घर पर कर सकते हैं सो so वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल किड्स लर्निंग फन पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आपको मेरी वीडियो

फर्स्ट so वर्ब है हमारे यहां पे जंप जंप का मतलब होता है कूदना और इसमें हमें ऐड करना है आई एन जी तो इसको हम लिखेंगे जे यू एम पी जंप और साथ में हम ऐड करेंगे आई एन जी नेक्स्ट है प्ले प्ले का क्या बनेगा प्लेइंग सिंग सिंग को हम आई एन जी के साथ ऐड करेंगे तो बनेगा सिंगिंग एस आई एन जी आई एन जी सिंगिंग ड्रिंक ड्रिंकिंग डी आर आई एन के आई एन जी ड्रिंकिंग फाइंड फाइंड का हम लिखेंगे फाइंडिंग इसी प्रकार से बाकी भी हमें कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट है यहाँ पे डांस और इसमें ई e आ रहा है लास्ट में तो ई e को हम ड्रॉप कर देंगे और आई एन जी को हम लगा देंगे तो बनेगा डी ए एन सी आई एन जी डांसिंग ऐसे ही कम में हमें ई e को ड्रॉप करना है और आई एन जी लगाना है तो बनेगा कमिंग तो यहाँ पे हमने एड किया है आई एन जी और वर्ब्स को कम्प्लीट किया है सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढना है और फिर हमारे सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना है सो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है रिया रिया डैश इज और आर ए गुड गर्ल सो रिया जो है वो सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हमेशा इज आता है तो so, हम लिखेंगे रिया इज ए गुड गर्ल आई डैश एम और इज फीलिंग हंग्री आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है तो हम लिखेंगे आई एम फीलिंग हंग्री नेक्स्ट नंबर पे है वाई डैश आर वर यू एबसेंट येस्टरडे वाई वर यू एबसेंट येस्टरडे मदर डैश वियरिंग अ ब्यूटिफुल साड़ी मदर Is wearing a beautiful sari. She dash was or were late and missed the train. She was late and missed the train. Was इसलिए आएगा क्योंकि she लिखा है यानी कि singular person है. I dash am or is not very good at maths. I के साथ हमेशा क्या आता है अभी मैंने ऊपर बताया है आई एम सो यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ दर्ब को चूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन दी ब्लैंक्स विद हैज और फर्स्ट नंबर पे हमें सेंटेंस है आनया डैश लॉन्ग हेयर सो यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा आता हैज आनिया हैज लॉन्ग हेयर मीरा डैश ए न्यू स्कूल बैग मीरा हैज क्योंकि अगेन सिंगुलर पर्सन है वी डू नॉट डैश ए न्यू कार वी डू नॉट हैव क्योंकि यहाँ पे प्लोर फॉर्म आ गया है नीना डैश ए प्रिटी डॉल नीना हैज ए प्रिटी डॉल आई डैश ब्लू मार्बल्स। आई हैव दीपक डैश मैनी फ्रेंड्स दीपक हैज मैनी फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने यूज किए हैं हैज और हैव हैव सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं हेल्प बॉक्स के अंदर उनको हमें चूज करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है सो फर्स्ट नंबर पे हमें सेंटेंस दिया गया है डैश स्पीक द ट्रूथ तो यहाँ पे आएगा ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यहां पे कैपिटल ए आएगा चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रीटेड लविंगली बच्चों को हमेशा कैसे ट्रीट करना चाहिए प्यार से लविंगली टूडे इज मंडे बट येस्टरडे वॉज संडे तो यहां हम लिखेंगे येस्टरडे सूरज टॉक्स लाउडली एल ओ यू डी एल वाई दोल्जर्स फॉर्ट ब्रेवली नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच दिंग सिंगुलर टू प्लूरल तो यहाँ पे हमें कुछ सिंगुलर फॉर्म दी गई है उसके सामने प्लुरल फॉर्म है उनको हमें मैच करना है एफ एल ओ डब्लू आर फ्लावर फ्लावर का प्लूरल फॉर्म होगा फ्लावर्स डॉग डॉग्स काइट इट बर्ड बर्ड्स बस बसिस अपोजिट वर्ड्स गिवेन बिलो यहां पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनके हमें अपोजिट वर्ड्स जो है वो राइट करने हैं सो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है आर आई जी एस टी राइट राइट मतलब सही और राइट का अपोजिट वर्ड होगा रॉन्ग डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग अगली अगली मतलब जो ब्यूटीफुल नहीं है खूबसूरत नहीं है उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर अपोजिट वर्ड ब्यूटिफुल बीई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटिफुल स्लो स्लो मतलब धीरे इसका अपोजिट वर्ड होगा एफ ए एस टी फास्ट फास्ट मतलब तेज C L O S E, क्लोज क्लोज मतलब बंद और इसका अपोजिट वर्ड होगा ओपन O P E N. T H I N, थिन थिन मतलब पतला और इसका अपोजिट वर्ड होगा F A T फैट फैट मतलब मोटा D R Y, ड्राई ड्राई मतलब सूखा और इसका अपोजिट वर्ड होगा W E T वेट वेट मतलब गीला E -M -P -T -Y, empty, empty मतलब खाली तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा बच्चों F -U -L -L, full. So हमने कंप्लीट किया हमारे देयर मीनिंग्स सो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस दी गई हैं और उनके इधर मीनिंग्स दिए गए हैं तो उनको हमें मैच करना है सो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है आई एन एस आई डी इन इनसाइड इनसाइड का मीनिंग होता है बच्चों इन टू ए बी ओ वीई अबाव अबाउ मतलब हायर देन बीई एल ओडब्लू बिलो बिलो मतलब लोअर देन बीई एस आई डीई बिसाइड बिसाइड मतलब बाय द साइड नेक्स्ट है का होगा फ्रॉम वन साइड टू अदर एंड लास्ट में है बिहाइंड बिहाइंड मतलब एट दी बैक सो यहां हमने हमारे मैच प्रिपोजिशंस किए हैं विद देयर मीनिंग सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सर्कल दी प्रोनाउन इन ईच सेंटेंसेस। तो यहां हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमें रीड करना है और जो हमारे प्रोनाउन है उनको हमें सर्कल करना है सो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज ए गुड बॉय सो ही हमारा प्रोनाउन है क्योंकि ये बॉय के लिए यूज किया गया है वी आर फ्रेंड्स वी इट इज सैटरडे टूडे इट इट हैज फोर लेग्स दे आर डांसिंग टी एच ई वाई दे शी राइट ए पोयम शी सो यहां हमने कंप्लीट किया है हमारे सर्कल द प्रोनाउन सो so, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास टू इंग्लिश वर्कशीट आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू